भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं पावन जयंती कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, महापौर श्रीमती सुनीता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सिंह जी, विधान परिषद के सामान्य सदस्य, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री मोहनीश सहगल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सभी अनुयायीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं आज उनके पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि जिनके लिए भारत की स्वाधीनता ही सर्वोपरि था, राष्ट्र धर्म ही जिनका स्वयं का धर्म था, जिन्होंने जीवन का एक संकल्प लिया था कि भारत माता को पराधीनता की गोलियों से मुक्त करके सदियों से पीड़ित और प्रताड़ित भारत की मानवता को स्वाधीनता की एक नए भोर की ओर अग्रसर करना है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन ऐसा भारतीय नहीं होगा जो आजादी के बाद इन 74 वर्षों में भी स्मरण न कर रहा हो। उन्होंने न केवल देश के अंदर स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, बल्कि भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के बाहर दुनिया के तमाम देशों में जाकर के आजाद हिंद फौज का गठन करके भारत के युवाओं को भारत के स्वाधीनता यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। आज उनकी पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्र होकर के उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने आज के इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने और इस दिवस के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक माध्यम देशवासियों को दिया है। व्यक्ति का सत्संकल्प उसके जीवन तक को सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह संकल्प था, जिन्होंने अपने स्लोगन तो मुझे तुम को मैं तुम्हें आजादी दूंगा
का जो स्लोगन देशवासियों को एक मंत्र के रूप में दिया, वास्तव में स्लोगन स्लोगन नहीं बल्कि भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया। और इस मंत्र ने देखते ही देखते कोटि कोटि भारतीयों को स्वाधीनता के नए बोल की ओर ले जाने इस महान अभियान के साथ जुड़ा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशवासियों की ओर से नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि राष्ट्र यज्ञ के इस अभियान के साथ प्रत्येक नागरिक जुड़ करके जो स्वाधीनता हमें प्राप्त हुई है, इस स्वाधीनता को क्षण बनाए रखने के लिए भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को नेताजी के इस पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।